गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बायोलॉजी ऑर्गेनाइज्ड बाय आर स्कूल लिटिल फ्लावर्स स्कूल मधुपुरम बस्ती। स्टूडेंट्स, वी आर रिवाइजिंग चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टुडे इज लास्ट डे ऑफ रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। आफ्टर टुडे यू विल गेट वीडियोज ऑफ रिवीजन ऑफ चैप्टर टीशू। एक चीज़ और क्लियर कर दें आपको, आपके PT1 के सिलेबस में, पीरियोडिक टेस्ट 1 के सिलेबस में ये दोनों चैप्टर लिखे हुए हैं, दोनों चैप्टर मेंशन हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टीशू। लेकिन टीशू में सिर्फ प्लांट टीशू ही आएगा आपके एग्जाम में, एनिमल टीशू नहीं आएगा, है ना खुशी की बात। एनिमल टीशू अभी एक्सप्लेन भी नहीं हुआ है, ओके, केवल प्लांट टिश्यू आएगा। नाउ लेट्स कम टू आर टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, एज यू नो, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग बॉडी, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, ओके। इफ एनी सेल डिवाइड, ओनली देन ग्रोथ टेक्स प्लेस। If any cell divide, only then reproduction takes place. There is a lot of difference between these two type of division. Division of cell through which reproduction takes place is another type of cell division, and division of cells due to which growth and development of that organism takes place, this is another type of division. It means that any living organism have two distinct type of cells. Although these two types of cells are not different in their morphology. Morphology means बाहर से देखने में ये cells एक जैसे ही होती हैं, लेकिन internally, anatomically they are different. Internally को हम anatomically कहते हैं। अग्रिमा चौधरी, समझ में आ रही है बात? जानवी शुक्ला, लव कुमार, अटेंशन हियर ओनली। नाउ ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, ये बात हमने आपको बताई है जब हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे तब भी, आज रिवीजन चल रहा है फिर एक बार बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे नए हैं आपके क्लास में, जो चैप्टर एक्सप्लेन करते समय नहीं थे, उनके लिए ये पहला वीडियो है सेल डिवीज़न का। तो हम सभी से बात करते हैं स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न आर माइटोसिस एंड मियोसिस एज गिवन इन योर बुक, बट व्हाट आई वांट टू से दैट इन एक्चुअल एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एनाटॉमिकली, नॉट मॉर्फोलॉजिकली। बाहर से देखने में डिफरेंट नहीं होते हैं वो सेल, लेकिन एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। कैसे? लेट्स सी। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, इज सोमैटिक टाइप सेल और वेजिटेटिव टाइप सेल, क्लियर। एंड सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्टिव और जेनरेटिव सेल, ओके स्टूडेंट्स। In somatic cells, mitosis type of cell division takes place, and as a result of mitosis, growth and development takes place of that living organism, whether it is plant or animal. Clear? तो एक चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, माइटोटिक टाइप डिवीजन से या माइटोसिस टाइप सेल डिवीजन से हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्लियर। नाउ कम टू रिप्रोडक्टिव और जेनरेटिव सेल। व्हेन देयर इज डिवीजन इन रिप्रोडक्टिव सेल और जेनरेटिव सेल, देन ऑलवेज गैमीट्स आर फॉर्म्ड, गैमीट्स आर फॉर्म्ड, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज गैमीट्स रिप्रोडक्शन ऑकर्स। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक ओन सेल्फ,
इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूस करना, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये कई तरह का होता है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, आपके बुक में चैप्टर दिया हुआ वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लेट सी सम स्पेशल टर्म्स विच आर यूज्ड इन दिस टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले ही जान लेते हैं। स्मृति कमलापुरी, रिया चौधरी, जैन अब्बास रिजवी, अटेंशन, पे योर फुल अटेंशन हियर ऑन बोर्ड, ओके। सॉरी, बबीता ऑल्सो पे अटेंशन, ओके। वन टर्म इज डिप्लॉयड, सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड, डाई वर्ड लगा हुआ है, तो डिप्लॉयड का मतलब हुआ जब क्रोमोसोम्स पेयर में हो। क्रोमोसोम्स पेयर में होते ही हैं, लेकिन कभी कभी ये अकेले भी होते हैं। तो व्हेन क्रोमोसोम्स आर इन पेयर इन एनी सेल, देन सच सेल इज नोन एज डिप्लॉयड, ओके। इसी डिप्लॉयड को 2N भी लिखा जाता है, 2N डिप्लॉयड। सिंगल एन लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हैप्लॉयड, क्लियर। अब एक एग्जांपल आपको देते हैं, फॉर एग्जांपल इन आर सेल्फ, इन आर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। पता है आपको, सबको पता है, दुबे, देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। लेकिन कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये 23 पेयर क्रोमोसोम, बताइए, कौन बताएगा? गुप्ता बताइए, ओम गुप्ता आप बताइए, जानवी, मुस्कान शर्मा, यू टेल मी। दीज क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस ऑफ न्यूक्लियस। कहाँ होते हैं ये क्रोमोसोम्स? सेल के न्यूक्लियस के भीतर वाले न्यूक्लियोलस में ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इन ह्यूमन बींग्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, इट मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम्स। एक बात हमेशा याद रखो बच्चों, कभी भी क्रोमोसोम को 46 मत लिखना, ये पेयर ही लिखा जाता है हमेशा। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम्स बिकॉज दे आर ए लाइक, एंड लास्ट 23rd पेयर इज नॉट ए लाइक, इट इज एक्स वाई, इट इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, ओके। जैसे मार्केट में आप जुराबे यानी कि सॉक्स नहीं खरीद सकते, सिंगल जाके कहिए 3 सॉक दे दीजिए, मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो 1 पेयर मिलेगा, फिर या तो 2 पेयर मिलेगा, यानी कि 4 सॉक्स। आपका स्लीपर एक टूट जाए लेफ्ट वाला, तो चले जाइए दुकान पे, वो लेफ्ट वाला स्लीपर टूट गया है, हमको चाहिए था, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। वो जब मिलेगा तो आपको दोनों पैर का एक साथ मिलेगा। तो जैसे मार्केट में आपको जुराबे, मार्केट में आपको स्लीपर्स, शूज़, या आपको हमेशा पेयर्स में मिलते हैं, कभी भी सिंगल नहीं मिलते, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी ज़्यादातर 90% केस में पेयर में ही रहते हैं, ये सिंगल नहीं रहते। अब अगला जो सेल डिवीज़न हम बता रहे हैं उसमें ये सिंगल रहते हैं, पेयर में नहीं रहते। इन केस ऑफ मियोसिस व्हाट हैपेंस, सपोज, अच्छा पहले इसको जान लेते हैं, माइटोसिस में सपोज दिस इज अ सेल, इट कंटेन्स 16 क्रोमोसोम इनसाइड इट्स न्यूक्लियोलस, इनसाइड द न्यूक्लियस 16 क्रोमोसोम्स। दिस सेल डिवाइड, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, दिस इज नोन एज मदर सेल एंड दिस इज नोन एज डॉटर सेल। सन सेल मत लिखना, और यहाँ फादर सेल, पापा सेल मत लिखना, डॉटर सेल। तो क्या होता है कि इफ 16 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनी सेल एंड इट एंड माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, देन व्हाट हैपेंस इन डॉटर सेल्स, ऑल 16 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट।
टोटल 16, हाफ नहीं होगा, ये नहीं कि टू सेल्स बन गई तो हाफ हो जाएगा ना, ये 16 ही रहेगा। तो इसी डिवीज़न की वजह से हम आपको बताएं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक, इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ मियोसिस सपोज दिस इज मदर सेल इनसाइड इट 16 क्रोमोसोम्स, इनसाइड इट्स न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस 16 क्रोमोसोम्स, देन व्हाट हैपेंस, टू सक्सेसिव डिवीजन टेक प्लेस, दो डिवीजन लगातार होते हैं इसमें, कॉन्टिन्यूअस, टू कॉन्टिन्यूअस डिवीजन टेक्स प्लेस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड ऑल दीज फोर डॉटर सेल्स आर हैविंग हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज एट हीयर, एट हीयर, एट हीयर एंड एट हीयर, ऑल डॉटर सेल्स आर हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिविजन। Since number of chromosomes become half, become less, so meiosis type of cell division is also known as reduction division. Since number of chromosomes are going to be reduced, okay, so meiosis type of cell division is also known as reduction division. आर डी इसको लिखते हैं, आपकी बुक में कहीं कहीं लिखा भी हुआ है ऐसे, आर डी, reduction division. As a result of reduction division or meiosis, gametes are formed. इनको हम gametes बोलते हैं, gametes. These gametes are of two types, male gamete and female gamete. हमने कहा है कि as a result of meiosis, gametes are formed. Meiosis, gametes are formed. These gametes contains haploid number of chromosomes. अब हम haploid word use कर रहे हैं, यहाँ पे diploid word नहीं use कर रहे हैं, यहाँ पे chromosome set में नहीं है, pair में नहीं है, gamete में single होता है, ठीक है, and these gametes are of two types, male gamete and female gamete. फीमेल गैमेट इज ऑलवेज लार्जर, हमारी बात ध्यान से सुनिए, एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, दीज फोर डॉटर सेल्स आर हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज दैट ऑफ देयर मदर सेल हैव, ओके, एंड दीज गैमेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ओके, फीमेल गैमेट इज ऑलवेज लार्जर इन साइज ड्यू टू स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, बिकॉज न्यू एम्ब्रियो इज गोइंग टू डेवलप फ्रॉम दैट फूड प्रेजेंट इन साइड द फीमेल गैमेट ओनली, ओके, मेल गैमेट इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, वेदर इट इज गैमेट ऑफ प्लांट और एनिमल एनीथिंग, मेल गैमेट इज ऑलवेज स्मॉलर इन साइज. One more thing, male gamete always motile, motile means जो move कर सके, those who are able to move from one place to another, so male gametes are capable to move from one place to another, for example देख लेते हैं, pollen grain है, ये plant sorry, plant का gamete है, male gamete है pollen grain, तो पॉलन ग्रेन ही तो जाता है कहीं पे मूव करके दूसरे प्लांट के, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है, तब पॉलिनेशन होता है ना, इतना तो पता होगा सबको, क्लास एट में हमने ही बताया है आपको, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, क्लियर है मुस्कान अब्बास अजी, क्लियर है, तो हमेशा मेल गैमेट मूव करता है, फीमेल गैमेट के पास जाता है पॉलिनेशन के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए, ओके, सो स्टूडेंट्स female gamete is always larger, male gamete is always smaller. These are two types of cell divisions. इसको हमेशा याद रखिए. These are two types of cell division held in two different types of cells. If cell division takes place in vegetative cell or somatic cell, then mitosis takes place.
as a result of which growth and development of that living organism takes place. Okay, and if cell division takes place in reproductive cell or generative cell, then meiosis type of cell division takes place. Four daughter nuclei, four daughter cells are formed, in which number of chromosomes are reduced half, due to which this type of cell division is known as reduction division also. So students, these are two types of cell divisions, and at this point, after explanation of both types of cell division, your chapter fundamental unit of life completed. We will meet again in next online class with revision video of tissue. Thank you, class 9. Thank you.